नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हम ब्लाइंडों को वो ब्लाइंड फील्ड से रिलेटेड और भी जानकारी देंगे जो कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसा सब चल रहा है, मतलब पूरे आसपास के हम खबर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत चीन में कई महीनों से विवाद चल रहा है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी, ब्रह्मपुत्र की जो नदी है तो वहां पे निचले हिस्से में चीन अपना एक नया डैम बना रहा है, तो उसमें वहां की जगह को क्या असर पड़ रहा है। हमारे साथ बने हैं जुल्फिकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। तो जुल्फिकार जी, मुझे तो इस बारे में पूरा नहीं पता है, तो आप स्पीच दीजिए कि क्यों, मतलब इसमें क्या असर पड़ सकता है, क्या है, मतलब पूरा हमको विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए राहुल, सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और मैं पूरा एक ये बताता हूं इसका। ये जो इनका एक अमाउथ पीस है, आपने सुना होगा चीन का ग्लोबल टाइम्स, तो बात 29 अक्टूबर सन 2020 की है जी। चाइना ने जो चाइना पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो कंपनी है, वहां जो बिजली बनाती है चीन में, उसके जो अध्यक्ष है यार यांग जोंग, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के इंटरव्यू में ये कहा था कि जैसे कि भारत पंचवर्षीय योजना को फॉलो करता है, तो वैसे ही चीन भी पंचवर्षीय योजना को फॉलो करता है। तो उन्होंने ये कहा कि चीन ने 14वीं जो पंचवर्षीय योजना होगी उनकी 2021 से 2025 तक में, तो उन्होंने ये कहा कि हमें, हमारी कंपनी को ये ठेका मिला है कि हम यारलुंग जेंगबो, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बतन नाम है, उसके डाउन स्ट्रीम में यानी कि उसकी निचली धारा पे एक बिगेस्ट डैम बनाएंगे। और कितना बिगेस्ट बनाएंगे, उन्होंने ये कहा कि जो उनका जो थ्री गॉर्जेस डैम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, उससे भी तीन गुना बड़ा डैम यहाँ हम बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि वहां से ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होकर के यहाँ आती है अरुणाचल प्रदेश में जी, और उसके बाद हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट में पानी देती है, उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पानी वही नदी देती है जी। तो अब जब चीन वहां डैम को बनाया, आपकी आवाज सही नहीं आ रही जी। अब मेरी आवाज आ रही अभी भी नहीं? हाँ, आप बोलिए। तो जब चीन इतना बड़ा डैम जब बनाएगा हिमालयन रीजन में जी, तो उससे क्या होगा कि वो निचली धरा पे डैम बना रहा है, वो कभी भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है जी। और गर्मियों में क्या होगा, ब्रह्मपुत्र जब नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में सूखा और अकाल पड़ सकता है, और जब चीन में बाढ़ आएगी तो चीन जो है बहुत सारा पानी एक छोड़ भी सकता है, और उससे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का खतरा भी बहुत बढ़ जाएगा, और उससे हम दिल्ली वालों को भी दिक्कत ये है कि हिमालयन रीजन में जो बड़ा डैम बनाएगा वो जी, तो जो उनका थ्री गॉर्जेस डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है, उससे वहां की पृथ्वी की घूमने की जो गति है उसमें परिवर्तन हुआ है, तो इससे ये होगा कि हिमालयन रीजन में जब वो इतना बड़ा डैम बनाएगा तो हमारे दिल्ली में और हमारे एनसीआर में और तिब्बत में और भूटान में, बांग्लादेश में पानी की समस्या तो होगी ही, लेकिन भूकंप की समस्या भी होगी और हम दिल्ली एनसीआर वालों को भी वो फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, पूरे उत्तर भारत वालों में को भूकंप की समस्या होगी, भूकंप बहुत ज्यादा आएंगे उसके बाद। तो ये समस्या, मतलब ये, मतलब जो आप हमको न्यूज दे रहे हैं, ये आपने कहाँ पर न्यूज सुनी जी? ये ये बहुत हमारे मीडिया में भी आया था 29 अक्टूबर 2020 को, और कम से कम 3-4 दिन तक ये छाया रहा था, और ये बहुत सारे वीडियोस में आपको चाहे तो दे सकता हूँ कि उन्हीं के माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ने और उनके यांग जोंग जो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये बिगेस्ट डैम जो है हमको बनाना है। तो इससे चाइना का क्या फायदा होगा? इससे चाइना का फायदा ही फायदा होगा। जैसे
किए, इससे 3,000 करोड़ मेगावाट बिजली पैदा होगी सालाना वहीं पे केवल, उससे हाँ वहां पे। उससे क्या होगा कि चीन में इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी, बिजली ज्यादा पैदा होगी तो, और उससे चीन को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा सालाना जी। और उनके जो आगे वाले जो प्रांत है, जिनजियांग प्रांत है, और जो जो जितनी उनकी राजधानी है बीजिंग है, वहाँ पानी नहीं है, पानी की कमी है वहाँ भी जी। तो इसका पानी जो है इस डैम के जरिए वहां तक पहुंचाया जाएगा, क्लीन वाटर। अच्छा, तो मतलब जुल्फिकार जी, जी इससे किन किन देशों पे असर पड़ सकता है भारत के अलावा? देखिए पानी के लिए अगर हम देखें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में बहुत असर पड़ेगा, सूखा और अकाल आ सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो है बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के पानी पे ही निर्भर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के सारे एरिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य है ना, जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अच्छा तो ये पूरे ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर है, जैसे कि हम सिंधु नदी के पानी पर निर्भर हैं, तो वैसे ये लोग ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर हैं। और फिर यहाँ से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश भी उसके पानी पर निर्भर है, और फिर वो बांग्लादेश से आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, तो जुल्फिकार जी मतलब इस पे फिर अगर ऐसा वाकई में है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय वैन या कोई कोई दूसरा देश कार्रवाई क्यों नहीं करता या कुछ बोलता क्यों नहीं है, या इंडिया क्यों नहीं बोलता है, हमारी सरकार इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रही है? देखो राहुल, ऐसा है, हमारी सरकार बहुत बोल रही है, लेकिन असल में बात यह है, चीन आप जानते हैं एक तो संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर है, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि चीन पूरी दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि जितना भी सामान दुनिया में बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, तो और देश पहली बात तो अपना हित ज्यादा देखते हैं, अच्छा, तो और देश इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे सपोर्ट में कोई बोलता है, अच्छा, तो कल को चीन ने अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी तो उन्हें घाटा होगा, तो ये और देश तो अपना घाटा और अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, इसलिए अभी कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, अमेरिका, रूस जैसे देशों में भी चाइना में से ही सामान जाता है? जी, मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है सबकी। अच्छा, तो जुल्फिकार जी और भी कोई बात है जो आप राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं? देखिए मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को भी इस डैम के जवाब में एक डैम बना देना चाहिए और एक वाटर रिजर्व बना देना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि हम पानी को रिजर्व कर सकें अपने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए। इससे ये होगा कि जैसे ही चाइना हमारे ब्रह्मपुत्र का गेट बंद करके उधर को बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेगा, तो हम अपने रिजर्व वाटर का इस्तेमाल करके जहां पानी दे सके। अच्छा, तो जुल्फिकार जी जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों, छात्र एवं छात्राओं को ये सब भी जानकारी मिलनी चाहिए, राइट? जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपने हमें समय दिया। जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे पास ज्ञान है वो दूसरे को भी मिले। मैं तो चाहता हूँ कि रोज रोज मैं हिस्ट्री का और हर चीज का एक एक ज्ञान आपके चैनल पे दूं। बिल्कुल, आप देंगे, हम आपको भी मौका देंगे, लेकिन तुम्हारे से पहले और भी दृष्टिबाधित हैं, हम उनको भी मौका देंगे और आपको भी मौका देंगे। सबसे पहली बात तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। और एक बात और जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, साथियों अगर कोई भी ब्लाइंड भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना कोई हुनर दिखाना चाहता हो तो या तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654223684 पर संपर्क करें। जुल्फिकार जी, अब लास्ट में जाते आते क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे आप हर तरीके की वीडियो मिलेगी। और मैं अपने सरकार को और अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को भी संदेश देना चाहूंगा कि बिल्कुल मत घबराइए, जैसे कि हमारी सेना लद्दाख में चीन का सामना कर रही है,
वैसे ही हमारी सरकार भी, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है कि इस डैम वाली साजिश का कोई ना कोई हल हमारी सरकार निकालेगी और आप लोग को पानी देने का पूरा पूरा प्रयास होगा। आपका पानी रुकेगा नहीं, आपकी खेती बर्बाद नहीं होगी, आपके राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार पे भरोसा कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी क्या नहीं कर सकते दिव्यांग का पार्ट 2 अपलोड किया था, तो 3 भी अपलोड कर दूंगा। साथ ही और भी ब्लाइंड फील्ड से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी, लेकिन पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।